हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैनिंग वुमेन। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे प्रेस्टीन एलियोर एट सेंट्रल खराड़ी पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एलिवेशन है बिल्डिंग का, और इसके राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, ये दोनों का लैंड पार्सल अगर आप देखेंगे तो 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 4 एकड़ रेसिडेंटल में यूज किया गया है और 1 एकड़ कमर्शियल में यूज किया गया है। तो आज हम लोग दोस्तों रेसिडेंटल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो रेसिडेंटल टावर है उसमें टोटल 8 विंग्स है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जिसमें 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग है, ग्राउंड है, 1 लेवल पोडियम पार्किंग होगा और 13 हैबिटेबल फ्लोर्स है। और सेंटर में जितने भी एमिनिटीज इसमें दिए गए हैं वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है, और करीबन 1 एकड़ का जो स्पेस होगा वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। तो बिल्डिंग का लुक दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है, और सभी फ्लैट के साथ में यूज डेक दिया गया है विद फ्रेंच कट विंडोज। और प्रोजेक्ट काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है, सेंट्रल खराड़ी में है एट पुणे। तो यहाँ पर दोस्तों आप आइसोमेट्रिक व्यू अगर आप देखेंगे तो जो फ्रंट साइड का जो एरिया है दैट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, और जो बैक साइड का आप देख रहे हैं जो रेक्टेंगल बिल्डिंग है दैट इज प्रेस्टीन एलियोर, जो कि रेसिडेंटल प्रॉपर्टी है। अब कमर्शियल का जो गेट होगा वो सेपरेट रहेगा और रेसिडेंटल का जो गेट होगा वो सेपरेट रहेगा। तो इस बिल्डिंग में दोस्तों जितने भी एमिनिटीज दिए गए हैं वो सारे बिल्डिंग के सेंटर में दिए गए हैं, और प्रोजेक्ट मुल्ला मुठा रिवर के पास में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे और एक एलिवेशन है बिल्डिंग का, जो कि हैबिटेबल 13 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो जो ये वाला टावर है ये ए टावर है, दिस इज बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो इसमें से जो ये वाला टावर है डी ई और एफ, ये सारा सोल्ड आउट है। तो अभी जो डेवलपर ने लॉन्च किया है वो ए टावर लॉन्च किया है और बी टावर लॉन्च किया है, और थोड़े दिनों बाद यहाँ पर ये एच टावर लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर ए टावर, बी टावर और एच टावर की हम लोग आज बात करेंगे। और सेंटर में आप देखेंगे ये स्पेस जो है ये पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है, जो कि प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट के फ्रंट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे ये कमर्शियल बिल्डिंग है। तो इस प्रोजेक्ट का जो एंट्री गेट है वो यहाँ से होगा और कमर्शियल का यहाँ से दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेन रोड है, एक तरफ वागोली के लिए जाता है और दूसरे तरफ हड़पसर के लिए जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये खराड़ी एरिया है, और प्रेस्टीन एलियोर जो है वो बिल्कुल खराड़ी रोड को लगकर है। इसके एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर कल्याणी नगर है, कोरेगांव पार्क एनेक्स है, अदर साइड मुंडवा है, केशव नगर रोड एंड दिस एरिया इज केशव नगर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इयॉन आईटी पार्क, तुकाराम नगर, फोर पॉइंट्स एंड नोवेटल, इसके बिल्कुल बीच में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो कनेक्टिविटी वाइज दोस्तों अगर आप यहाँ से आप देखेंगे तो मानीपाल हॉस्पिटल 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, रिलायंस स्मार्ट मॉल 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, जेंजार आईटी पार्क 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 5 मिनट, इयॉन आईटी पार्क 5 मिनट, फिनेक्स मॉल 10 मिनट, फिंजव आईटी पार्क 10 मिनट, एमनोरा मॉल 5 मिनट, मगरपट्टा सिटी 5 मिनट, एयरपोर्ट 15 मिनट, AP-81 5 मिनट, और ऑर्चिड द इंटरनेशनल स्कूल 5 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जितने भी एमिनिटीज है वो सारे बिल्डिंग के सेंटर में दिया गया है, और यहाँ पर आपको 2 क्लब हाउस मिलता है जो कि ग्राउंड प्लस 2 लेवल का क्लब हाउस होगा। और आप देखेंगे बहुत सारा एमिनिटीज दिया गया है, काफ़ी लार्ज साइज स्विमिंग पूल है, मल्टीपर्पज कोर्ट्स है, ओपन जिमनेजियम है, किड्स प्ले एरिया दिया गया है, प्लेंटी ऑफ ओपन लॉन्स है, सिटिंग परगोलाज विद डिसेंट
प्लांटेशन एंड प्लेंटी ऑफ एलईडी लाइट्स। सिमिलरली इस तरफ भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी दो लेवल का राइट साइड में क्लब हाउस है, उसके बाद आप देखेंगे काफी बड़ा सा लॉन है जहाँ पर आप गेट टूगेदर पार्टीज वगैरह कर सकते हो, फ्लैग होस्टिंग प्लेस है, वॉकिंग ट्रैक दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इन डिटेल अगर एमिनिटीज की बात करेंगे तो क्लब हाउस ए है और क्लब हाउस बी है। तो क्लब हाउस ए में आपको ग्राउंड फ्लोर पर मल्टीपर्पज हॉल, पार्टी हॉल, पैंट्री, उसके बाद को वर्किंग स्पेस, गेस्ट रूम, जिम्नेजियम, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक, स्टेज, फ्लैग होस्टिंग स्पेस, कनेक्टिंग पाथवे, स्कल्पचर, फीचर वॉल, एम्पी सिटिंग, सिट आउट, कबाना एंड मेनी मोर। और क्लब हाउस बी में अगर आप देखेंगे तो डे केयर विद पेंट्री, लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, डांस, जुम्बा हॉल, सलून, स्पा एंड पार्लर, मसाज रूम विद टॉयलेट, स्क्रीनिंग स्पेस, वाटर बॉडी, एंट्रेंस प्लाजा एंड सिक्योरिटी कैबिन। तो बहुत सारे एमिनिटीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ एमिनिटीज का इमेजेस आप देखेंगे जहाँ पर आपको पार्टी लॉन मिलता है और यहाँ पर आप तरह तरह के फंक्शंस आप कर सकते हो, सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स एंड प्लेंटी ऑफ लाइट्स। उसके अलावा आपको बैंक्वेट हॉल मिलता है, तो हॉल में भी आप फंक्शंस पार्टीज वगैरह आप कर सकते हो। फुल्ली इक्विप्ड जिम्नेजियम दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे ओपन जिम्नेजियम है, पीछे के तरफ ग्राउंड प्लस टू लेवल का क्लब हाउस है और राइट साइड में कुछ सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, अगेन विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। और पीछे की तरफ दोस्तों आप बिल्डिंग में जो फ्लैट्स आप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे काफी बड़ा सा डेक है विद फ्रेंच कट विंडो ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे काफी बड़ा सा किड्स प्ले एरिया दिया गया है विद सॉफ्ट फ्लोरिंग, अगेन दिस इज किड्स प्ले एरिया। लार्ज साइज स्विमिंग पूल मिलता है आपको विद सिटिंग डेक एंड सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग। उसके अलावा को वर्किंग स्पेस दिया गया है दोस्तों यहाँ पर एमिनिटीज में, तो जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम है वो लोग इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों फ्लैट के अंदर जितने भी सीपी, सैनिटरी फिटिंग्स, टैप, सिंक, पेंट्स, वॉल, वायरिंग, लॉक्स, डोर, सारा कुछ ब्रांडेड क्वालिटी का फिटिंग्स है। इवन जो डोर लॉक होगा वो डिजिटल लॉक होगा। अच्छे क्वालिटी का पेंट यूज किया गया है फ्लैट्स के अंदर। सीसीटीवी मॉनिटरिंग इन कॉमन एरियाज, फायर अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम दिया गया है, वीडियो डोर फोन हर एक अपार्टमेंट में दिया गया है। उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर होगा। वॉशरूम में एंटी स्किड टाइल्स दिया गया है और सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स जो होगा वो कोलेयर का होगा और इक्विवेलेंट टू डैट सोलार वाटर हीटिंग मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में दिया गया है। तो दोस्तों ए, बी और एस टावर जो लॉन्च करने वाले हैं उसमें सिमिलर कारपेट एरिया होगा। तो 2 BHK यहाँ पर 751 से लेकर 760 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 85 lakhs ऑनवर्ड्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, और 2.5 BHK 855 से लेकर 864 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 97 lakhs टू 1 crore इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, और 3 BHK 987 से 1018 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 1.14 crore से 1.21 crore तक इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली दोस्तों पोजीशन फॉर ए एंड बी टावर दिसंबर 2026 में होगा। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.